इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी देख रहे हैं कि लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। विदेशों में सोयाबीन में तेजी है ही है, भारत में भी तेजी देखने को मिली। बस मंडियां बीच में अभी जो कुछ दिन के लिए बंद हुई थी उसके बाद थोड़ी नरमी आई थी अराइवल्स के चलते, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से सोयाबीन लगातार तेजी होती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, खाद्य तेलों का तेज होना, किसानों का सोयाबीन को होल्ड करके रखना और सोयाबीन की कीमतों में तेजी आना, तो क्या सोयाबीन की कीमतों में अभी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, एक्सपेक्टेड है कि तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि इंपोर्ट के डेटा भी अभी रिवाइज हुए हैं और इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है और इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि अभी प्राइसेस के अंदर अपना मोमेंटम बना रह सकता है। जी त्रुपा जी, जो सोयाबीन किसान है क्या उनको भी सोयाबीन थोड़ी अपनी होल्ड करके रखना सही रहेगा? देखिए, अभी तो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट उठ सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी होल्ड करके चला जा सकता है। जी,